हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं रवि भारद्वाज साइंस की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है आनुवंश की जेनेटिक्स। तो आज हम आनुवंशिकी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम डाल लीजिए आनुवंशिकी। जेनेटिक्स, आनुवांशिकी की हम बात करते हैं। आनुवांशिकी क्या होती है? आनुवांशिकी का मतलब होता है कि प्रत्येक जाति के जीवों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अपने माता पिता से स्थानांतरित होते हैं, या प्रत्येक जीव के अंदर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अपने माता पिता से अपनी संततियों में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिक लक्षण। क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है, वो याद रखना, पुरुषों के लक्षण तो शुक्राणु द्वारा जाते हैं और महिलाओं के लक्षण जो होते हैं वो अंडाणु के माध्यम से जाते हैं। यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों को कहते हैं हम युग्मक। तो कहने का मतलब है कि माता पिता से संतानों में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण युग्मकों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? युग्मकों के माध्यम से होता है। आनुवांशिकी जो शब्द है, जेनेटिक शब्द है, वो जेनेटिक शब्द का यूज बैटसन ने किया था, और आधुनिक आनुवांशिकी का जनक भी इसको कहा जाता है, बैटसन को कहते हैं, याद रखना। और आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है जोहन ग्रेगर मेंडल को। किसे कहते हैं? जोहन ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। तो आनुवांशिकी की परिभाषा क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में इसकी परिभाषा नोट करते हैं। प्रत्येक जाति के जीवों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अपने माता पिता से स्थानांतरित होते हैं। इन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कई बार कि ये लक्षण तो इस बच्चे का अपने पिताजी जैसा है, आंखें इसकी माताजी पे गई हैं, चेहरा इसका पिताजी को गया है, गुस्सा इसका क्रोध पिताजी जैसा आता है। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अपने माता पिता से अपनी संततियों में क्या होते हैं दोस्तों? स्थानांतरित होते हैं। इन लक्षणों को क्या कहते हैं? जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स, या इनको आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। इन लक्षणों का स्थानांतरण युग्मकों, गैमेट्स, युग्मकों के माध्यम से अर्थात पुरुषों के लक्षण शुक्राणु स्पर्म द्वारा
तथा महिलाओं के लक्षण अंडाणु द्वारा स्थानांतरित होते हैं। महिलाओं के लक्षण अंडाणु द्वारा स्थानांतरित होते हैं, अर्थात आनुवांशिकी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति हेरिडिटी तथा वेरिएशंस विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थात आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति और किसका अध्ययन किया जाता है, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या कहलाती है, आनुवांशिकी कहलाती है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग बैटसन ने किया था। किसने किया था? बैटसन ने किया था। आनुवांशिकी का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स जोहन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जोहन ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, याद रखना। अब हम बात करते हैं इसमें मेंडल को जनक क्यों कहते हैं, क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले आनुवांशिकी से संबंधित जो नियम दिए थे या प्रयोग किए थे, वो प्रयोग किसने किए थे? मेंडल ने किए थे। किस पादप पर किए थे, याद रखना, मटर के पादप पर किए थे। मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था 1822 में, याद रखना। ये ऑस्ट्रिया में एक चर्च था, उस चर्च में पादरी के पद पर कार्यरत थे ये। उस पद पर कार्यरत होते हुए भी इन्होंने उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किए अपने, तो उद्यान मटर। और मटर के अलावा एक पादप और था हर्वेशियम, हर्वेशियम नामक पादप पर भी, याद रखना, मेंडल ने आनुवांशिकी के प्रयोग किए थे। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मेंडल को क्यों कहते हैं जनक, क्योंकि मेंडल ने आनुवांशिकी के संबंधित प्रयोग और नियमों के लिए मटर के पौधे को ही चुना था। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी के लिए या अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि एक तो मटर में सबसे पहला गुण होता है कि मटर में स्व परागण पाया जाता है, ऑटो पॉलिनेशन होता है। स्व परागण का मतलब क्या होता है? परागण क्रिया एक पेड़ पौधों में नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचने की प्रक्रिया है। जिस प्रकार पुरुषों में शुक्राणु बनते हैं, महिलाओं में अंडाणु बनते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में पराग कण बनते हैं जो कि बीजांड तक जाते हैं। तो पराग कणों का पराग कोष से वर्तिका के भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचना,
क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, एक तो स्व परागण, एक होता है पर परागण। पर परागण में दो अलग अलग पादपों की आवश्यकता होती है। स्व परागण का मतलब होता है कि एक ही पादप के फूलों के अंदर परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। तो मटर के पादप के लिए किसी अन्य पादप की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मटर में स्व परागण पाया जाता है। दूसरा कारण है कि मटर एक वर्षीय पादप है। कैसा है? एक वर्षीय पादप है, अर्थात एक वर्ष के अंदर मटर की कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुवर्षीय है कि इस सीजन में हम मटर का बीज लगाएंगे, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर उसमें बीज आएगा, फल आएगा, यानी सालों नहीं लगते हैं। एक वर्ष के अंदर तो क्या हम लगभग 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं, कंप्लीट परिणामों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण हम उस मटर के कर सकते हैं। यदि एक बार कोई रिजल्ट में गड़बड़ी आती है तो पुनः उस पीढ़ी का दोबारा से हम अध्ययन उसी साल में कर सकते हैं। अर्थात मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। तीसरा कारण था कि मटर के लिए एक सामान्य जलवायु की आवश्यकता होती है, कोई विशेष ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस इसके लिए एसेंशियल नहीं होती हैं। एक नॉर्मल जलवायु चाहिए, अपन एक एवरेज मिट्टी में नॉर्मल पानी की यहाँ आवश्यकता होती है, नॉर्मल पानी होता है, नॉर्मल मिट्टी होती है, वहाँ पर हम मटर के पौधे को उगा करके कंप्लीट प्रेक्षण करके हम परिणाम तक पहुँच सकते हैं, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना था, याद रखना। मेंडल ने आनुवांशिकी के प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना था। कई बार क्वेश्चन आता है कि मटर उद्यान मटर थी या मीठी मटर थी, तो याद रखना उद्यान मटर को चुना था, मटर के पौधे को चुना था, उद्यान मटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उद्यान मटर। मटर का वानस्पतिक नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम सैटाइवम। क्या होता है? पाइसम सैटाइवम होता है। मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है, 14 होती है। कितनी होती है? 14। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को इसलिए चुना था क्योंकि क्या क्या कारण रहे हैं? क्योंकि सबसे पहला कारण, मटर में स्व परागण पाया जाता है। ऑटो पॉलिनेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मटर में स्व परागण पाया जाता है। दूसरा कारण, मटर का पादप एक वर्षीय होता है, अर्थात एक वर्ष में मटर की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है।
एक वर्ष में मटर की अनेक पीढ़ियों के क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और मटर में स्व परागण पाया जाता है। मटर के लिए सामान्य जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? मटर के पौधे के लिए सामान्य जलवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए मेडल ने अपने प्रयोगों के लिए किसके पौधे को चुना था? मटर के पौधे को ही चुना था। तो ये कुछ इसमें कारण हैं। अब मेडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, दो प्रयोग किए थे मेडल ने। एक तो किया था मेडल का एकल संकर संकरण का प्रयोग, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और एक किया था मेडल का द्विसंकर संकरण का नियम संकरण का प्रयोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इन दोनों प्रयोगों पर आधारित मेडल ने आनुवांशिकता के तीन नियम दिए थे। पहला प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीन लॉज दिए थे और ये तीनों जो नियम हैं ये दोनों प्रयोगों पर आधारित हैं। तो हम तीन नियम पढ़ने से पहले दो प्रयोग पढ़ेंगे, लेकिन ये दो प्रयोग और तीन नियम के अंदर कुछ ऐसी शब्दावली आती है जो हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम उस आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली की इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। तो अब हमें हेडिंग लगाना है कि आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। कई बार यहां से भी सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ शब्द आते हैं, उनके बारे में हमें इतना पता होना जरूरी है कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें पहला जो शब्द है वो है ट्रेट। ट्रेट किसको कहा जाता है? तो ट्रेट, याद रखना, आनुवांशिक लक्षणों को ट्रेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षणों को क्या कहा जाता है? ट्रेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेट्स कहा जाता है। अब दूसरा हम बात करते हैं कि आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो माता पिता से अपनी संततियों में संचरित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहा जाता है मित्रों? आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। एक शब्द आता है आनुवांशिकता और एक आता है वंशागति। हेरिडिट्री, वंशागति का मतलब होता है लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है? वंशागति कहलाती है। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण।
क्या कहलाता है? वंशागति कहलाती है। क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। चौथा पॉइंट हम बात करते हैं विभिन्नताएं, वेरिएशंस, वेरिएशंस क्या होती हैं? जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं जो कि लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। तो देखो, एक शब्द तो आ गया ट्रेट। अगर जैसे आपको डायरेक्ट मिल जाए कि ट्रेट्स का मतलब है या ट्रेट्स का अर्थ होता है, तो ट्रेट्स का अर्थ क्या होता है? आनुवांशिक लक्षणों को क्या कहते हैं? ट्रेट्स कहते हैं। दूसरी बात आती है, आनुवांशिक लक्षण क्या होता है? आनुवांशिक लक्षण का मतलब है ऐसे लक्षण जो अपने माता पिता से अपनी संततियों में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स, या इनको आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तीसरा सब आता है हेरिडिट्री। वंशागति क्या होती है? तो वंशागति हेरिडिट्री का मतलब होता है कि लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण क्या कहलाता है? वंशागति कहलाती है। एक शब्द आता है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या होती हैं? वेरिएशंस क्या होते हैं? जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं जो कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जीवों के अंदर कुछ वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, प्रत्येक प्रजाति के अनेक लाखों जीव हैं, फिर भी दो जीव लगभग सेम नहीं मिलते हैं। कहीं ना कहीं उन दोनों में अंतर जरूर आता है, उनकी संरचना में अंतर आता है, उनके क्रियाकलापों में अंतर आता है, उनकी जो व्यवहार में अंतर आता है। ये जितने भी वेरिएशंस मिलते हैं, जितनी भी विभिन्नताएं मिलती हैं, ये विभिन्नताएं किसके कारण उत्पन्न होती हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही उत्पन्न होती हैं, जो कि आनुवांशिकी का ही क्या है दोस्तों? पार्ट होता है। तो ये पाँच चार पॉइंट हमने पढ़े हैं। पाँचवा पॉइंट नेक्स्ट हम चलते हैं। एक शब्द आता है जिसका नाम है युग्म विकल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना। एलील्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? एलील्स भी कहा जाता है, कई बार इस नाम से भी सीधा ये आ जाता है, एलील्स। युग्म विकल्पी क्या होता है? युग्म विकल्पी का मतलब होता है एक ही जोड़े के दो विपर्यायी लक्षणों वाले कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे मेडल ने लंबे पौधों को कैपिटल टी से दर्शाया था, मेडल ने बौने पौधों को स्मॉल टी से दर्शाया था, ठीक है। तो इन दोनों को अपन क्या कहेंगे, याद रखना, इनको साइंस में जेनेटिक्स के अंदर युग्म विकल्पी कहेंगे। क्या कहेंगे इनको? युग्म विकल्पी कहेंगे। क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी। अब यदि दोनों समान हैं तब तो इसे कहेंगे समयुग्मजी। क्या कहेंगे? समयुग्मजी। क्या कहेंगे इसको? समयुग्मजी, होमोजाइगस कहा जाता है। और ये जब अलग अलग हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तब इसको कहेंगे हम विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी क्या कहेंगे? विषमयुग्मजी, या इसको हेटेरोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस कहते हैं। तो दो प्रकार के हो गए ये, होमोजाइगस और एक होता है हेटेरोजाइगस। तो युग्म विकल्पी का मतलब क्या हुआ? एक ही जोड़े के दो विपर्यायी, विपर्यायी विपरीत, अपोजिट, विपर्यायी लक्षणों को प्रकट करने वाले
कारक क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी, या इनको एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं इनको, युग्म विकल्पी या एलील्स कहलाते हैं। जैसे कैपिटल टी इसको क्या कहेंगे हम? युग्म विकल्पी कहेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी इसको भी क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी कहेंगे। स्मॉल टी इसको भी क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी कहेंगे। तो ये सारे क्या हैं? युग्म विकल्पी हैं। अब ये युग्म विकल्पी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं ये। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समयुग्मजी, युग्म विकल्पी, इसको कहेंगे होमोजाइगस, और एक आता है विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस। समयुग्मजी युग्मकल्पी का मतलब होता है जब दोनों युग्मकल्पी समान हों, जब जब किसी युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान हो तो उसे कहते हैं समयुग्मजी। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। और विषम युग्मजी का मतलब होता है जब किसी युग्म विकल्पी के दोनों कारक अलग अलग हों तो उसे कहेंगे विषम युग्मजी। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको तो क्या कहेंगे? विषम युग्मजी। और ये क्या कहलाएगा दोस्तों? समयुग्मजी कहलाता है। तो ये दो प्रकार के हो गए युग्म विकल्पी। ये शब्द अपन को याद रखते हैं। अगला जो शब्द आता है हमारा, उसका नाम है एकल संकर। एकल संकर संकरण या एकल संकरण। एकल संकरण का मतलब होता है जब एक लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसको कहेंगे एकल संकरण। क्या कहेंगे? एकल संकरण। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? एकल संकर संकरण या एकल संकरण कहते हैं। अगला आता है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण इसको कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसको कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकरण का मतलब होता है जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है
तो उसे क्या कहेंगे, द्योशंकर संकरण कहेंगे। एक आता है बहुसंकर संकरण या बहुसंकर क्रॉस, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, इसमें अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, बहुसंकर क्रॉस कहेंगे। एक शब्द आता है इसमें प्रभावी लक्षण, ये सारे शब्द आएंगे हमारे आगे, डोमिनेंट करैक्टर्स, और एक होते हैं अप्रभावी लक्षण, रिसेसिव फैक्टर्स या रिसेसिव करैक्टर्स। प्रभावी लक्षण का मतलब होता है मेंडल ने जब प्रथम पीढ़ी के अंदर, एक प्रभाविता का नियम भी हम पढ़ेंगे, मेंडल ने सबसे पहले क्या किया कि प्रभावी गुण के रूप में लंबे पौधों को चुना था और अप्रभावी गुण के रूप में बौने पौधों को चुना था। मेंडल ने जब लंबे पौधे और बौने पौधे, प्रभावी गुण और अप्रभावी गुणों वाले पौधों के मध्य जब मेंडल ने संकरण कराया तो मेंडल ने क्या प्राप्त किया कि प्रथम पीढ़ी एबन पीढ़ी फीलियल, एफ का मतलब फीलियल, एबन जो जनरेशन है उसमें हमेशा हमेशा प्रभावी लक्षणों वाले पौधे ही प्राप्त हुए थे, जिसे कहा जाता है प्रभाविता का नियम। और प्रभावी लक्षण का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो एबन पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे जब मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे दोनों के मध्य जब संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में हमेशा प्रभावी गुण यानी लंबे पौधे ही प्राप्त हुए थे, जिसे मेंडल का प्रथम नियम कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। तो प्रभावी लक्षण का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी, इसको एबन पीढ़ी कहते हैं, एबन जनरेशन कहते हैं, एबन पीढ़ी में प्रकट होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहा जाता है। और एक आते हैं अप्रभावी लक्षण, रिसेसिव फैक्टर्स या रिसेसिव करैक्टरिस्टिक्स। और रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी, ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, याद रखना, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। संकरण शब्द का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण शब्द का मतलब होता है नर तथा मादा लिंग जो होते हैं उनके बीच में जो लैंगिक जनन होता है उसको क्या कहेंगे, संकरण कहेंगे। नर तथा मादा के बीच में हुआ लैंगिक जनन, नर तथा मादा के मध्य लैंगिक जनन क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। दूसरा है जनक पीढ़ी क्या होती है, एक शब्द आता है जनक पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन क्या होती है, वह पीढ़ी या वे पौधे
जो F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं उनको क्या कहेंगे, जनक पीढ़ी कहेंगे। जैसे मेंडल ने F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए लंबे पौधे और बौने पौधों को चुना था, तो लंबे पौधे और बौने पौधे क्या कहलाएंगे दोस्तों, जनक पीढ़ी के नाम से जाने जाएंगे। जनक का मतलब होता है जिनसे उत्पन्न होता है, जनक शब्द का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। तो जनक पीढ़ी का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, जनक पीढ़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी का मतलब क्या होता है, F1 पीढ़ी का मतलब होता है प्रथम पीढ़ी, या हम कह सकते हैं जनक पीढ़ी से उत्पन्न प्रथम पीढ़ी। जनक पीढ़ी के संकरण से उत्पन्न प्रथम पीढ़ी क्या कहलाती है, F1 पीढ़ी कहलाती है। और एक शब्द आता है F2 पीढ़ी, F मीन्स होता है फिलियल जनरेशन। F2 का मतलब क्या होगा, जो F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त होंगे फिर उन्हीं के मध्य जब संकरण कराया जाएगा तो उत्पन्न होने वाली पीढ़ी को क्या कहेंगे, F2 पीढ़ी कहेंगे। अभी हम दो प्रयोग करेंगे उनसे सारी चीजें समझ में आएंगी। पहले मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि सारे शब्द अभी आने वाले को दो प्रयोग और तीन नियमों में काम में आने वाले हैं, जगह जगह आपको ये सब सुनने को मिलेंगे, तो हमें पहले ही पता होना जरूरी है कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जाम के अंदर भी सीधा सीधा इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो F2 पीढ़ी F1 पीढ़ी से जो प्राप्त होगी उसको क्या कहेंगे, F2 पीढ़ी कहेंगे। तो F1 पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण द्वारा उत्पन्न द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन क्या कहलाती है, F2 पीढ़ी कहलाती है। क्या कहलाती है, F2 पीढ़ी कहलाती है। एक शब्द आता है शुद्ध वंशक्रम प्योर लाइन, शुद्ध वंशक्रम का मतलब क्या होता है, जो समान जनक से उत्पन्न पीढ़ी होती है और आगे बिल्कुल उसके समान लक्षण प्रकट होते हैं उसको क्या कहते हैं, शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। समान जनक से उत्पन्न समान पीढ़ी जिसके सभी लक्षण समान हों उसे क्या कहा जाता है, याद रखना शुद्ध वंशक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, शुद्ध वंशक्रम कहा जाता है। यानी वह जनक जो समान जनक से संकरण पर हमेशा समान संतति ही उत्पन्न करे उसको क्या कहेंगे, शुद्ध वंशक्रम प्योर लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ वर्ड हमें यूज में लेने हैं और यही चीजें हमें याद रखनी हैं। अगला है इमस्कुलेशन विपुंशन, द्विलिंगी पुष्प की कलिका अवस्था में पुमंग स्टेमन
को हटाने पर पुष्प को एक थैली में बांधना क्या कहलाता है? विपुंशन कहलाता है। जैसे ये टर्म अपने यूज में नहीं आएगी अभी आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर भी मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि इमस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, कि द्विलिंगी पुष्प की कलिकावस्था में पुमंग को हटाने पर पुष्प को एक थैली में बांधना क्या कहलाता है? विपुंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? विपुंशन कहलाता है। अगला पॉइंट आता है एक, जिसका नाम है जीन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेडल ने इसको कारक कहा था। क्या कहा था? कारक भी कहा था, याद रखना। जीन क्या होता है? डीएनए का वह खंड, जीन डीएनए का वह खंड होता है जो किसी आनुवांशिक लक्षण का निर्धारण करता है या आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और मेडल ने इस डीएनए के खंड को क्या नाम दिया था? कारक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? कारक। जीन शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो जोहनसन वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? जोहनसन वैज्ञानिक ने जीन शब्द का क्या किया था दोस्तों? प्रतिपादन किया था। तो इसमें हम लिखते हैं डीएनए का वह खंड जो आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करती है या आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करती है, क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और मेडल ने इन इकाइयों को क्या नाम दिया था? कारक नाम दिया था। मैं नोट लगा के यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, मेडल ने इन डीएनए के खंडों को क्या नाम दिया था? कारक नाम दिया था, फैक्टर। मेडल ने डीएनए खंडों को क्या नाम दिया था? कारक नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था। और जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द का क्या किया था दोस्तों? प्रतिपादन किया था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करते हैं कि एक तो होता है जीन और एक होता है गुणसूत्र, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आता है डीएनए की क्रियात्मक इकाई। यदि डीएनए की क्रियात्मक इकाई पूछता है तो आंसर होगा जीन। और एक क्वेश्चन आता है जीन की क्रियात्मक इकाई, तो जीन की क्रियात्मक इकाई के बारे में पूछे तो आंसर होगा सिस्ट्रॉन। क्या होगा? सिस्ट्रॉन होगा। तो दो वर्ड हम यहां पर लिख लेते हैं, डीएनए की यदि आपसे क्रियात्मक इकाई पूछे तो होगी जीन। और यदि जीन की क्रियात्मक इकाई पूछे तो होगा सिस्ट्रॉन। क्या होगा? सिस्ट्रॉन। ये जीन की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। अब अगला जो शब्द आता है हमारा इसी क्रम में, नंबर हम 17 तक पहुंच चुके हैं, अगला हमारा क्रम आता है 18 नंबर, 18वां क्रम। 18वें क्रम पे आता है गुणसूत्र, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। ये भी आनुवांशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों में से एक है, याद रखना। गुणसूत्र क्या होते हैं? देखो,
हमारे शरीर में एक कोशिका पाई जाती है, कोशिका के बीच में केंद्रक होता है, ये केंद्रक झिल्ली है, ये केंद्रक होता है, क्या होता है, केंद्रक होता है, ये न्यूक्लियस कहते हैं इसको। केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा रहता है इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य, क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं इसको, न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म कहा जाता है। इस केंद्रक द्रव्य के अंदर कुछ इस प्रकार से जालनुमा संघनित पदार्थ पाया जाता है जिसको क्रोमेटिन पदार्थ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं, याद रखना। ये क्रोमेटिन पदार्थ जो नाम दिया था वो फ्लेमिंग ने दिया था, किसने दिया था, फ्लेमिंग ने, क्रोमेटिन पदार्थ जो नाम दिया था वो किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था, याद रखना। एक कोशिका का जब विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन की एक अवस्था होती है जिसका नाम है मेटाफेज, क्या नाम है, मेटाफेज, या इसको कहा जाता है मध्यावस्था, क्या कहते हैं, मध्यावस्था। कोशिका विभाजन की मध्यावस्था या मेटाफेज के दौरान ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है ये बाद में लंबी पतली धागे नुमा संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाता है जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहा जाता है, या इन्हीं को गुणसूत्र कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहा जाता है। तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होते हैं। ये क्रोमोसोम जो नाम दिया था ये बाल्डेयर ने दिया था, किसने दिया था, बाल्डेयर ने दिया था। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन पतली धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जो कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं। जीन और गुणसूत्र में महत्वपूर्ण अंतर क्या हुआ कि जीन तो किसी आनुवांशिक लक्षण का निर्धारण करती है, आनुवांशिक लक्षण को नियंत्रित करती है, और उस आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम जो करता है वो कौन करता है, वो गुणसूत्र के माध्यम से होता है या क्रोमोसोम के माध्यम से होता है। तो क्रोमोसोम नाम दिया था बाल्डेयर ने और गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रास वर्गर ने, किसने की थी, स्ट्रास वर्गर ने। हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है या 23 जोड़े होते हैं। दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है ये, कितनी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसमें भी कई बार इंटेलिजेंट बच्चे भी गलती कर देते हैं। कई बार जोड़े पूछते हैं हम 46 आंसर दे देते हैं, कई बार संख्या पूछते हैं हम 23 जोड़े आंसर दे देते हैं, 23 आंसर दे देते हैं। अरे भैया क्वेश्चन में पढ़ना है कि जोड़े दे रखा है या फिर संख्या पूछ रहा है, जोड़े दे रखेंगे तो 23 जोड़े होंगे, संख्या होगी तो 46 होगी। अभी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एग्जाम के अंदर थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया था, उसमें भी कई बच्चे इसको गलत करके आए, कई बच्चों ने बताया कि सर हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया और बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो गया। तो ऐसा होता है, जनरली सीधे प्रश्न जो होते हैं ना वो गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि उसको हम पूरे दिमाग पूरी तल्लीनता के साथ कई बार पढ़ नहीं पाते हैं प्योर तरीके से, इसलिए वो हमसे गलत हो जाता है। तो संख्या में कई बार मिस्टेक होती है। अब इनमें से कितने कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, कितने लैंगिक गुणसूत्र हैं, कितने जननी गुणसूत्र हैं, वो भी हमें याद रखना है। तो आइए इसके बारे में हम नोट कर लेते हैं। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र या इनको क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, केंद्रक द्रव्य में न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य में उपस्थित महीन धागे नुमा संरचनाओं के रूप में उपस्थित होते हैं,
जो कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, जो कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ जो नाम दिया था वो दिया था फ्लेमिंग ने। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। क्रोमोसोम नाम दिया था बाल्डियर ने। और गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रासवर्गर ने। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रासवर्गर नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी दोस्तों? गुणसूत्र की खोज की है। गुणसूत्र का निर्माण डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के होता है। किससे होता है? डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर किसका निर्माण होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है। हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या या तो 46 लिखेंगे या 23 जोड़े लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 46 या 23 जोड़े होती है। हमारे शरीर में गुणसूत्रों की बात करें तो ये गुणसूत्र पाए जाते हैं 44 प्लस XY तो नर में होते हैं, 44 प्लस XX मादा में होते हैं। ये इधर वाले जो 44 हैं इनको तो कहते हैं अलिंगी गुणसूत्र, या इनको कहते हैं ऑटोसोम्स, जो कि नर व मादा में समान होते हैं। और एक जोड़ा जो होता है ये XY और XX, ठीक है, ये वाला, इनको कहते हैं लिंगी गुणसूत्र या इनको एलोसोम्स कहते हैं। और ये क्या काम करते हैं? लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण का कार्य कौन करते हैं? लिंगी गुणसूत्र करते हैं, XY तथा XX करते हैं। एक प्रश्न आता है, लड़का होगा या लड़की, यह किस पर निर्भर करता है? तो यह पुरुष के गुणसूत्र XY पर निर्भर करता है। यह पुरुष के गुणसूत्र XY पर निर्भर करता है। लड़का हो गए लड़की, यह किस पर निर्भर करेगा? पुरुष के गुणसूत्र XY पर निर्भर करता है। और लिंग निर्धारण की क्रिया XY तथा XX पर निर्धारित होती है। लिंग निर्धारण का कार्य यदि पूछे तो वो दोनों के द्वारा होता है। लिंग निर्धारण का कार्य XY तथा XX द्वारा होगा। तो ये गुणसूत्र के बारे में ये जानकारी हमें
यहाँ पर मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो गुणसूत्र आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये इतनी ही फिक्स होना ज़रूरी है। कई बार इनमें गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, कम हो जाती है, रिपीट हो जाती है, डबल हो जाती है, गुणसूत्र टूट जाता है, जुड़ जाता है, तो व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। इसी टॉपिक में हम चर्चा करेंगे आगे आनुवांशिक रोगों के बारे में, जो कि जेनेटिक डिजीज कहलाती हैं, हेरिडिटरी डिजीज कहलाती हैं, जो कि किसी गुणसूत्र के जुड़ने, टूटने, रिपीट होने या किसी अन्य कारण से भी हो सकते हैं। तो वो रोगों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, थैलेसीमिया, ये वर्णांता, हीमोफीलिया, इन सभी रोगों के बारे में आगे हम चर्चा इस टॉपिक में ही करने वाले हैं, जो कि गुणसूत्रों में अनियमितता, इररेगुलरिटी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो ये गुणसूत्र के बारे में सामान्य जानकारी हमें इतनी तो कम से कम प्राप्त होना जरूरी है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है केवल गुणसूत्र में, कि केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचनाओं के रूप में उपस्थित होते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ नाम दिया था फ्लेमिंग ने, क्रोमोसोम नाम दिया था वाल्डेयर ने, गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने, गुणसूत्र का निर्माण डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से होता है, हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 30 या 46 जोड़े होते हैं, 44 प्लस एक्स वाई नर में पाए जाते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स मादा के अंदर पाए जाते हैं। 44 गुणसूत्र एलिंगी गुणसूत्र कहलाते हैं, ऑटोसोम्स नर में मादा में समान होते हैं, एक्स वाई तथा एक्स एक्स लिंगी गुणसूत्र होते हैं, लिंग निर्धारण का काम करते हैं, लड़का होगा या लड़की यह केवल पुरुष के गुणसूत्र एक्स वाई पर निर्भर करता है, और लिंग निर्धारण का कार्य किसके द्वारा होता है, एक्स वाई तथा एक्स एक्स के माध्यम से होता है। इसमें आगे हम बात करते हैं, कुछ दो चार पॉइंट और लिखते हैं, जैसे ये कोई गुणसूत्र है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ गुणसूत्र का आपके सामने, याद रखना गुणसूत्र के दोनों सिरे जो होते हैं इनको टीलोमियर कहते हैं, क्या कहते हैं, टीलोमियर, गुणसूत्र के दोनों सिरे क्या कहलाते हैं, टीलोमियर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, टीलोमियर कहलाते हैं। कभी कभी गुणसूत्र अचानक से शक्रे हो जाते हैं, जहाँ पर पहली बार ऐसा होता है उसको कहेंगे प्राथमिक संकीर्णन, क्या कहेंगे, प्राथमिक संकीर्णन कहेंगे, या इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और ऐसा जब होता है, जिस बिंदु पर होता है उसको कहा जाता है सेंट्रोमियर, क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे, या इसको गुणसूत्र बिंदु कहेंगे, क्या कहेंगे, गुणसूत्र बिंदु। कभी कभी ऐसा दोबारा भी हो सकता है, याद रखना है, इसे दोबारा से अचानक से सकरा हो सकता है, दोबारा होता है ऐसा तो उसको कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन, क्या कहेंगे, द्वितीयक संकीर्णन कहेंगे, इसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। ये टीलोमियर होते हैं जो कि टीलोमरेज एंजाइम की सहायता से या आपस में दो गुणसूत्रों को चिपकने से रोकते हैं, टीलोमियर याद रखना। आगे हम बात करते हैं गुणसूत्र के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, क्या पाया जाता है, गुणसूत्र के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको कहते हैं पेलिकल आवरण, क्या कहा जाता है, इसको पेलिकल आवरण कहते हैं, जो कि गुणसूत्र की सुरक्षा का कार्य करता है, क्या काम करता है, सुरक्षा का कार्य। अब कई वैज्ञानिक बताते हैं कि पेलिकल लेयर होती है, कई वैज्ञानिक बताते हैं कि पेलिकल लेयर नहीं होती है, लेकिन यदि आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि गुणसूत्र के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, पेलिकल आवरण होगा, जो कि गुणसूत्र की सुरक्षा का कार्य करता है। एक क्वेश्चन आता है कि गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए, उनको स्पष्ट देखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो मिथाइल विल्यू या इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, जिससे गुणसूत्र स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं। और जब गुणसूत्रों का अभिरंजन किया जाता है, गुणसूत्रों पर मिथाइल विल्यू या इथिडियम ब्रोमाइड केमिकल डाला जाता है,
तो गुणसूत्रों पर कुछ इस प्रकार से लंबी पतली यहाँ पर रेखानुमा संरचनाएं दिखाई देने लग जाती हैं। इन रेखानुमा संरचनाओं को जीनोम कहते हैं। क्या कहा जाता है बताओ इनको? जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम। इन रेखानुमा संरचनाओं को तो कहते हैं क्रोमोमियर्स। इन रेखानुमा संरचनाओं को तो कहते हैं क्रोमोमियर्स। और इन क्रोमोमियर्स पर जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, इस आनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। याद रखना, ये आनुवांशिक जो पदार्थ होता है ना, इस आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहेंगे? जीनोम कहेंगे। इस आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहेंगे? जीनोम कहेंगे। जीनोम क्या होगा? ये आनुवांशिक पदार्थ होगा। क्या होगा? आनुवांशिक पदार्थ होगा। सेंट्रोमियर जो होता है, ये प्रत्येक गुणसूत्र को दो भागों में बांट सकता है और प्रत्येक भाग को कहते हैं अर्ध गुणसूत्र। क्या कहेंगे? अर्ध गुणसूत्र, या इसको क्रोमेटिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमेटिड्स। ये भी क्या कहलाएगा? अर्ध गुणसूत्र कहलाएगा। क्रोमेटिड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड्स। और दो अर्ध गुणसूत्र मिलकर के, याद रखना, एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। दो अर्धगुणसूत्र मिलकर या दो क्रोमेटिड्स मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको इसमें याद रखनी हैं। कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनके अंतिम सिरे पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। ऐसे गुणसूत्रों को सैटेलाइट गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? सैटेलाइट गुणसूत्र कहते हैं, या इनको सेट क्रोमोसोम कहते हैं। हमारे मानव शरीर में इनकी संख्या लगभग 5 होती है, 13, 14, 15, 21, 22। ये जो नंबर हैं, ये वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? सेट क्रोमोसोम कहलाते हैं। कुछ गुणसूत्रों के अंतिम सिरे पर सैटेलाइट नुमा टोपी नुमा संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहा जाता है? सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ये कुछ गुणसूत्र के बारे में आपको कुछ चीज़ें और इसमें याद रखनी है। तो इसमें कुछ चीज़ें अपन नोट कर लेते हैं। गुणसूत्र लंबी पतली धागे नुमा संरचना होती है। जिसके चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को पेलिकल आवरण कहते हैं। जो कि गुणसूत्र की सुरक्षा का कार्य करता है। क्या काम करता है? गुणसूत्र की सुरक्षा का कार्य करता है। कभी कभी अचानक गुणसूत्र थोड़े सक्रिय हो जाते हैं को
संकीर्णन कहते हैं, क्या कहा जाता है इसको, संकीर्णन कहते हैं, कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। यदि ये पहली बार होता है तो उसको प्राथमिक संकीर्णन और दूसरी बार होता है तो उसे द्वितीयक संकीर्णन कहा जाता है। यदि यह प्रथम बार होता है तो इसे प्राथमिक संकीर्णन प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और यदि दूसरी बार होता है तो इसे द्वितीयक संकीर्णन सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और जिस बिंदु पर संकीर्णन होता है उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। जिस बिंदु पर संकीर्णन होता है उसे सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। तो पहली बार होगा प्राथमिक संकीर्णन, दूसरी बार होगा उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक संकीर्णन। पहली बार अचानक संकरा हुआ प्राथमिक संकीर्णन, दोबारा हुआ द्वितीयक संकीर्णन, इस बिंदु को क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर। प्रत्येक सेंट्रोमियर गुणसूत्र को कितने भागों में बांट देता है, दो भागों में बांट देता है। प्रत्येक सेंट्रोमियर गुणसूत्र को दो भागों में बांटता है तथा प्रत्येक भाग को अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड्स या क्रोमनीमेटा कहा जाता है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, अर्धगुणसूत्र कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं या क्रोमनीमेटा कहा जाता है। गुणसूत्र के दोनों सिरे क्या कहलाते हैं, टीलोमियर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टीलोमियर। गुणसूत्र के दोनों सिरे क्या कहलाते हैं, टीलोमियर कहलाते हैं। ये और इसका जो निर्माण होता है वो टीलोमरेज एंजाइम द्वारा होता है। यह दो गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकता है। दो गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकने का काम कौन करता है, याद रखना, टीलोमरेज एंजाइम करता है, टीलोमियर करता है, जिसका निर्माण किससे होता है, टीलोमरेज एंजाइम से होता है। कुछ गुणसूत्रों के अंतिम सिरे पर टोपीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं,
इन्हें सेट क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम कहते हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर में 5 होती है। नंबर याद रख लेना, 13, 14, 15, 21 और 22। ये क्या कहलाते हैं? सेट क्रोमोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? सेट क्रोमोसोम कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। आगे हम बात करते हैं गुणसूत्रों के अभिरंजन। अभिरंजन का मतलब होता है उनको सैफ्रनाइज करना, उनको स्पष्ट रूप से देखने के लिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा भी, याद रखना। इसके लिए मिथाइल विलो या इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो गुणसूत्रों के अभिरंजन हेतु मिथाइल विलो या इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। मिथाइल ब्लू या इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है जिससे गुणसूत्रों पर स्पष्ट रेखानुमा संरचनाएं दिखाई देती है। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? क्रोमोमियर्स। क्या कहते हैं इन संरचनाओं को? क्रोमोमियर्स कहते हैं। एक शब्द आता है जीनोम। और क्रोमोमियर्स पर उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। क्रोमोमियर्स जो संरचनाएं होती हैं उन पर उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जीनोम होता है। क्रोमोमियर्स पर उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ, क्रोमोमियर्स पर उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? याद रखना, जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। तो ये गुणसूत्र की संरचना में कुछ महत्वपूर्ण ये पॉइंट थे, याद रखना, जो कि हमने नोट कर लिए हैं। पेलिकल आवरण हो गया, जीनोम हो गया, टीलोमियर हो गया, क्रोमोमियर्स हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, टीलोमेरेज एंजाइम, सेट क्रोमोसोम, क्रोमेटिड्स, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में याद रखनी है। गुणसूत्र का जो निर्माण होता है वो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इन सभी से मिलकर के किसका निर्माण होता है? क्रोमोसोम का निर्माण होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट कुछ हमें इसमें याद रखने हैं। तो जीनोम क्या कहलाता है? क्रोमोमियर्स पर उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? जीनोम कहलाता है। अब इस गुणसूत्र में कई बार गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो सकती है, अधिकता हो सकती है, गुणसूत्र टूट सकता है, कोई गुणसूत्र टूट करके किसी अन्य गुणसूत्र पर जाकर चिपक सकता है, जुड़ सकता है, उससे भी बच्चों में, बड़ों में रोग हो सकते हैं। वो कौन कौन से रोग हैं उनकी भी चर्चा हम इस टॉपिक में करने वाले हैं, जिन्हें वंशागत रोग कहते हैं या आनुवांशिक रोग कहते हैं। सभी आनुवांशिक रोग वंशागत नहीं होते हैं, लेकिन सभी वंशागत रोग आनुवांशिक होते हैं। जरूरी नहीं है जो आनुवांशिक रोग है वो वंशागत भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो आनुवांशिक भी होते हैं और वंशागत भी होते हैं। वो कई सारे रोग हैं, उनके बारे में भी आगे अपन इसी टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। तो एक गुणसूत्र की एक सामान्य संरचना के बारे में हमने चर्चा की है। इसके आगे की जो कुछ चीज़ें हैं
उनके बारे में अपन कल नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।